हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आईलाइनर के कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज करके आप इस वेडिंग सीजन में धमाल मचा सकते हो, गॉर्जियस लग सकते हो और बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको आईलिड को प्रेप करना है, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है कंसीलर। आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको ऐसे फिंगर के हेल्प से मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी स्पंज से हमको इसे ऐसे डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है ताकि ये सीमलेसली हमारी आईलिड्स पे ब्लेंड हो जाए। कंसीलर अप्लाई करने से आपके आईज़ में जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो जाता है एंड एक अच्छा सा बेस बन जाता है आई मेकअप के लिए। उसके बाद आप कंसीलर को कोई भी लूज पाउडर या कंपैक्ट से सेट कर सकते हो। उसके बाद आईब्रोज को फिल करना और ग्रूम करना कभी ना भूलना, क्योंकि आईब्रोज से ही हमारा जो आई लुक है और भी ज़्यादा डिफाइन लगता है और ज़्यादा उभर के दिखता है। तो ये जो टिप है इसको ज़रूर फॉलो करना। और नेक्स्ट टिप ये है कि जो ट्रांसपेरेंट वाले सेलो टेप होते हैं उसको लेके हमको अपनी लोअर लैश लाइन के क्लोज कुछ इस टाइप से चिपका देना है। एंड इसको क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी एंड में वीडियो के। और उसके बाद हमको कोई भी आई शेडो पैलेट लेना है, आपके पास जो भी आई शेडो पैलेट अवेलेबल है। और मैंने ये मजेंटा सेट को यहाँ से पिक किया है एक फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से, और इसको आईलाइनर की तरह अपनी अपर आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। कुछ इस टाइप से हमको अपनी पूरे आईलिड में इसको आईलाइनर की तरह अप्लाई करना है। ऐसा लगना चाहिए कि आपने उसी शेड का आईलाइनर अपनी आईलिड पे अप्लाई किया हुआ है। तो इस टाइप से हमको इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करना है। देन हमको उसी शेड से अपनी लोअर लैश लाइन के क्लोज भी स्मज करना है। और उसके बाद हमको जेल लाइनर से एक विंग लाइनर ड्रॉ करना है। आप जैसे क्लिप में देख रहे हो, सिंपल विंग लाइनर एक ड्रॉ करना है उसी जेल लाइनर से। अगर आपके पास जेल लाइनर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ब्लैक आई शेडो को आज लाइनर अप्लाई कर सकते हो। और ब्लैक आई शेडो भी आईलाइनर की तरह ही वर्क करेगा, क्योंकि बाद में हमको इसको स्मज करना है। और उसी लाइनर को मैं अपनी लोअर वाटर लाइन को फिल करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। काजल के हेल्प से अपनी वाटर लाइन को बोल्ड फिल करना है कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद हमको एक ब्रश की हेल्प से ये स्मज भी करना है। आप देख सकते हो क्लिप में, इस टाइप से हल्के हल्के हाथों से हमको स्मज करना है। और इसमें ये ध्यान रखें कि हमको इसमें सिर्फ ब्लैक लाइनर को ही स्मज करना है या ब्लैक काजल को ही स्मज करना है। और ये वाला लुक बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। और हियर इज द हीरो ऑफ द लुक, ये सेलो टेप। अब इसके बाद आपको ये सेलो टेप को हटाना है। और सेलो टेप हटाने के बाद आप देख सकते हो कितना शार्प विंग आपका क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आज यूजुअल हमको आई लेसेस को कर्ल करना है एंड उसके ऊपर 1 और 2 कोट मस्कारा भी अप्लाई करना है अपनी आई लुक को और भी एनहांस करने के लिए। एंड ये वाला जो मस्कारा है मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपकी लेसेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है। एंड उसके बाद हमको इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करना है। और हियर इज द फाइनल फिनिश लुक। और लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने फॉल्स आई लेसेस भी अप्लाई किया हुआ है। एंड ये रहा फाइनल लुक गाइस। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके आप बहुत इजीली एक विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो एंड इस वेडिंग सीजन में एक सिंपल इजी एंड ग्लैमरस लुक भी क्रिएट कर सकते हो। सो गो फॉर इट गर्ल्स। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।